सुबह से ही एक नाम काफी ट्रेंड कर रहा है, वो है अपर्णा ठाकुर। आपको बता दें कि अपर्णा ठाकुर वही महिला है जिन्होंने ये दावा किया है कि रवि किशन उनके पति हैं और उनकी बेटी के पिता हैं। जी हाँ, यूपी की राजधानी लखनऊ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा किया है कि रवि किशन उनके बेटी के पति हैं और वो ये चाहती हैं कि रवि किशन जो हैं वो उनकी बेटी को अपना ले। वो कोई भी रवि किशन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हैं, वो बस यही चाहती हैं कि रवि किशन जो हैं उनकी बेटी को उनका अधिकार दे, उनको उस तरीके से परवरिश दे जो कि एक पिता अपनी बेटी को जिस तरीके से देता है। इसी वजह से उन्होंने ये भी बोला है कि मैं कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकती हूँ अगर रवि किशन अब मेरी बेटी को नहीं अपनाते हैं। ऐसे में अभी तक रवि किशन की ओर से कोई भी बयान नहीं हुआ है। रवि किशन बीजेपी से सांसद है, इधर चुनाव भी लड़ने वाले हैं। अब ऐसे में अपर्णा ठाकुर जो हैं, ये इन्होंने जो ये दावा किया है कि रवि किशन उनके पति हैं, उनके बेटी के पिता हैं, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में जो है काफ़ी ज़्यादा बोला जाए कि गर्माहट फैल गई है और कई पार्टियों के जो नेता हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते भी नजर आ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको वो दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनका नाम अपर्णा है, और आपको बता दें कि अपर्णा का ऐसा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं रवि किशन, वो उनकी कथित पत्नी हैं। लेकिन रवि किशन की अगर हम बात करें तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और फिलहाल ये जो पूरी कहानी है, इसमें क्या कुछ सच है, क्या सच्चाई है, उसके लिए हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ अपर्णा और उनकी बेटी शनोवा मौजूद हैं। अपर्णा और शनोवा, आपका इंडिया न्यूज़ पर स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल है, जो आपने एक ये मुद्दा उठाया है रवि किशन का कि आप कथित पत्नी हैं और वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ी सी पहले हम कहानी जानना चाहेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ था और एक्सेप्टेंस क्यों नहीं हो रहा है, और आप इस टाइम पर जब चुनावी गलियारों में हर तरीके से सियासी खबरें आ रही हैं, तब आप इस मुद्दे को लेकर के आई हैं। देखो, अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो, अभी है मेरे सामने वो एक्सेप्ट करते हैं और शिनोवा के सामने भी वो एक्सेप्ट करते हैं। और जब वो स्ट्रगल करते थे, जब थोड़े इंडस्ट्री में थे, तो इंडस्ट्री में किस वो ईयर की बात है ये? 98 ऑनवर्ड जब से पैदा हुई है, तब वो इंडस्ट्री में सबसे मुझे एज वाइफ ही मिलाते थे सबसे, जैसे मिथुन दा हो, मिंक हो, जो भी हो। तो जो उनके फ्रेंड्स थे, उनके मम्मी पिताजी, उनके भाई बहन, सबसे मुझे एज अ वाइफ ही उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बट धीरे 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 जैसे कि जैसे वो फेम मिलती रही ना उनको, वैसे वो भूलने लगे हमें ये। और जहाँ तक कि आपका दूसरा सवाल है चुनावी, वो तो क्या है कि एक साल से उन्होंने हमसे बात नहीं की है, एक साल से उन्होंने मुझे ब्लॉक करके रखा है। और मैं किसी भी तरह, मैंने ट्राई भी किया अपने फ्रेंड्स के थ्रू उनसे मैसेजेस पहुंचाना, उन वॉइस नोट भेजे मैंने काफ़ी सारे उनको, बट उन्होंने कुछ वो नहीं किया है। यानी तो उसके पहले क्या था कि उसके पहले उन्होंने, मैंने उनको बहुत बार बोल चुकी हूँ मैसेजेस पे भी, मेल पे भी, कि मुझे गिव हर हर लीगल राइट, एंड इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल देन आई विल हैव नो, यू नो, आई बी लेफ्ट चांस, यू नो, टू गो ओनली टू मीडिया एंड कोर्ट। तो पर उन्होंने कुछ उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो लास्ट 2022 में भी उनको मेल की थी मैंने कि आप एक्सेप्ट करो अपनी डॉटर को एंड इधर अडॉप्ट हर और गिव हर अ लीगल, यू नो, राइट्स, यू नो, तो अदरवाइज आई बी गोइंग टू द कोर्ट। तो उसका भी कुछ नहीं हुआ। अभी 9 महीने पहले उनको मैंने नोटिस भेजा था, 9 महीने से मैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू और कुछ कुछ बीजेपी, कुछ कांग्रेस, मैंने काफ़ी सारे लोगों के थ्रू ना उनको मीडिएट, एज अ मीडिएटर बात कर रहे थे कि आउट ऑफ द कोर्ट, आउट ऑफ द मीडिया कुछ हो जाए, बट नॉट इवन वंस ही केम फॉरवर्ड। तो ये है। और जहाँ तक आपने पूछा है पॉलिटिकल का, इलेक्शन वगैरह का, उसका मेरे से, मतलब किसी के दबाव में किसी ने आपको ऐसा बोला होगा, कि ऐसे समय पर कई ऐसी चीज़ें आती हैं जब कुछ लोग आते हैं, किसी भी सांसद, एमएलए, एमएलसीज या नेता है, उनकी छवि कहीं ना कहीं थोड़ी सी उससे बाधित हो सके, बुरा मत मानिएगा, लेकिन छवि खराब करने के लिए भी कई ऐसे लोग आते हैं। देखो, अगर ऐसा होता कि मुझे ऐसे कोई आके बोलते कि हाँ ये सही टाइम है और छवि खराब करो, तो मैं बोलती नहीं, मैं थोड़ा और, क्योंकि अगर 25 साल तक मैंने वेट किया है तो मैं बोलती नहीं और थोड़ा मैं वेट कर लूँगी, ये बाद में करूँगी। बट ऐसा कुछ मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं आया जिन्होंने या तो बोला या तो ये अभी करो या तो नहीं करो। तो मेरा ये था कि मैंने कभी पॉलिटिकली कुछ सोचा ही नहीं कि उनकी कोई छवि खराब होगी।
और या फिर उनको कोई नुकसान होगा, एंड आई डोंट वांट दैट आल्सो। कब मुलाकात हुई थी आपकी रवि किशन से? मेरी मुलाकात 1995 में आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, और तब आप और वो क्या अपनी निजी लाइफ में शादीशुदा थे? वो शादीशुदा थे पर मुझे उसके बारे में पता नहीं था, और मैं अब सेपरेटेड, तब एट दैट पॉइंट ऑल्सो सेपरेटेड थी मैं, और अपनी मम्मी के यहाँ पर रहती थी, तो वो अपनी मेरी मम्मी के यहाँ पर आते थे। आप उस वक्त मैरिड थे बट सेपरेटेड थे, बट रवि किशन वॉज मैरिड, लेकिन आपसे उन्होंने ये सच छुपाया। हाँ, उन्होंने ये सच छुपाया जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई शिनोबा से, और जब मुझे पता चला तो उन्होंने ये कहा कुछ कि हमारा, मेरा क्या बोलते हैं, बचपन में गौना हो गया था ऐसा कुछ, तो यानी एंड ही डजंट कंसिडर दैट मैरिज, क्योंकि वो बांद्रा में अकेले रहते थे, तो मैं हमेशा उनको छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ में कभी नहीं रहते थे, उनकी वाइफ और कहीं रहती थी, तो मुझे तो हमेशा से ही लगा था कि ये सिंगल है। एंड मम्मी से भी आके शादी की बात की, उन्होंने अपने मम्मी, उनके मम्मी डैडी सब मुझे बहू बोलते थे, उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं सब मुझे भाभी ऐसे एड्रेस करते थे। आई हैव गॉट प्रूफ ऑल्सो फॉर दैट ऑल्सो। तो आपने अगर रवि किशन से शादी किया है तो क्या लीगल तरीके से आप लोगों की शादी हुई थी? नहीं, लीगल तरीके से नहीं हुई थी, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि शिनोबा के से मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी, तब दैट टाइम आई गॉट टू नो दैट ही इज़ ऑलरेडी मैरिड, तो मैंने बोला कि नाउ आई एम प्रेग्नेंट, व्हाट डू आई डू, तो उन्होंने कहा कि मैं नाम तो नहीं दे सकता हूँ, बस साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो तुम दोनों का आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू एंड आवर डॉटर, तो तब मुझे पता चला, तो फिर नथिंग कुड बी डन। कि इस वक्त हमारे साथ शिनोबा भी मौजूद हैं जो रवि किशन की बेटी हैं, जैसा ये बताती हैं। शिनोबा, आपका उनका कब तक साथ रहा था? क्योंकि जिस तरीके से अपर्णा जी हमें बता रही हैं कि पिछले एक साल से कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और उन्होंने आप लोगों को ब्लॉक कर दिया। नहीं, तो उन्होंने मुझे कभी ब्लॉक नहीं किया है, मैं अभी भी ब्लॉक नहीं हूँ। मैंने उनको ब्लॉक किया था 4 साल पहले, 2019 में हम अक्टूबर में लास्ट मिले थे, और उसके बाद में जो भी उन्होंने बिहेव किया मेरे साथ में, तो उसके बाद आई ब्लॉक्ड हिम। उसके बाद कोई अभी कांटेक्ट नहीं आपसे? भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ही नेवर टेक्स्टेड मी एवर। तो क्या लगता है आपको, क्या ये वजह है? और अगर मैं केस फाइल की बात करूं, तो आपने जैसे उनको बताया कि आपने उनको नोटिस भी कई भिजवाए हैं, तो उधर से कोई रिस्पॉन्स मिला आपको? नहीं, कुछ कोई रिस्पॉन्स नहीं, नथिंग एट ऑल। तो ये जो कथित पत्नी आपको वो बता रहे हैं, जब आप उनको बता रहे हैं कि वो आपके हस्बैंड हैं और लीगल तरीके से शादी नहीं हुई है, तो क्या आपस में आप लोगों ने मन में ही मान लिया था एक दूसरे को पति पत्नी? हाँ, बिकॉज वी वर इन लव, तो मैंने तो माना था, उन्होंने भी यानी प्रिटेंड तो किया था कि मैं वाइफ हूँ। आप उनके घर वालों से भी मिली हैं? सबसे। और क्या उनको, उनकी वाइफ को पता है आप सबके बारे में? पता है। तो उनका कोई रिएक्शन? उनका रिएक्शन उनकी मेरी तरफ से कभी ऐसा ख़राब नहीं था, क्योंकि हम बहुत मिलते थे पहले, बट हाँ उनसे काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए थे, ये मुझे रवि बोलते थे, बट मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, बट उनको पता सब था, उनके मम्मी डैडी उन्होंने पूरी फैमिली को पता था। तो शिनोबा, कोई ऐसी मेमोरी आपको याद है जो आपको लगा हो कि हाँ ये अभी भी रिलेटेबल है, और ऐसी मेमोरी आप उसे सजो के रखना चाहेंगे? आपको ऐसा कुछ भी नहीं है याद, या कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि ये मेमोरी हम हमेशा सजो के रखें अपने साथ? किनके साथ? रवि किशन जो आपके फादर हैं। मेरी उनके साथ बहुत ही ऊपर से मेमोरीज़ है, जब वो बर्थडेज पे घर आते थे, या हम जब बाहर मिलते थे वेस्टर्न में, तो हम लोग हार्डली हाफ एन आवर, जब मैं 15 तक की थी तब तो क्या ही बातें होती होंगी, तब तक तो वो चाचू थे, तो मुझे पता ही नहीं था, बिकॉज आई गॉट टू नो वन आई वॉज 15 that he's my father, and that's when I confronted him and I told him I know it now and I want to get to know you and hame spend karna chahiye time. To uske baad wo mujhse mile, but unhone kabhi interest nahi dikhaya to spend time with me. We never went out aise pure din ke liye, kabhi bhi kuch nahi, aise aadhe ghante mummy ke sath mili hu, main kabhi akele mein bhi nahi mili hu unse. To aapko kya lagta hai, ye acceptance ki kami thi ya unke man mein ek dar tha jo unhone publicly accept nahi kiya tha aur just short interval pe mulaqatein hoti thi? एक्सेप्टेंस की बात तो ये है कि जब भी वो स्ट्रगल कर रहे थे तब उनमें बहुत एक्सेप्टेंस थी, बिकॉज उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मुझे सबसे एज लाइक यू नो एज वाइफ मिलवाया है, शिनोबा को भी एज डॉटर मिलवाया है, बट वो तब की बात थी, द मिनट ही स्टार्टेड ग्रोइंग इन लाइफ। तो मींस उस वक्त उनका स्ट्रगलिंग पीरियड था, और उस वक्त आप क्या करती थी? मैं काम करती थी, आई वॉज अ जर्नलिस्ट, आई वॉज अ फोटोग्राफर, आई वॉज अ पीआर, मैं काफ़ी काम करती थी। ड्यूरिंग करियर आप लोगों की आपस में मुलाकात हुई? हाँ जी, हाँ जी। आप कंटिन्यू करें जो आप हमें बता रही थी।
तो फिर जब वो जैसे जैसे वो सुपरस्टार बनते गए, जैसे जैसे पॉलिटिक्स में आए, तो वो आगे बढ़ते रहे और हम पीछे हो गए, यानी ही फॉरगॉट अस। अभी नाउ ही इज लिविंग विद हिज फैमिली यस विद हिज किड और वाइफ, और आपका पहले से ही सेपरेशन था, और अभी आप फिर कहाँ रह रहे हैं? अभी बॉम्बे में रह रहे हैं। अभी तो मैं 5-6 महीने से लखनऊ में हूँ, बट वैसे बॉम्बे में रह रहे हैं। तो क्या लगता है, अब आप आपने सोचा है कि आप ये पूरा मामला कोर्ट में लेके जाएंगी? 100% हाँ, क्योंकि मैं आई वॉन्ट जस्टिस फॉर माई डॉटर एंड इट्स हाई टाइम, शी इज 25 ईयर ओल्ड। आपने जैसे शिनोमा ने भी हमें बताया है कि व्हेन शी वाज 15 देन शी केम टू नो दैट ही इज हिज फादर, तो आपने इतना लंबा समय क्यों लिया इसको बताने में? क्योंकि बहुत छोटी थी ये, तो मैं नहीं चाहती थी कि यू नो चाइल्ड उसने वो पूछा होगा, क्योंकि जब हम हो अमूमन सकते बच्चों को 15 देखते हैं 15 कि इयर्स में पूछा था उसने मुझसे, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स थे ना तो सबको पता था, तो मैं जब भी रवि के बारे में बात करती थी ना तो मैं यहाँ वहाँ जाके छुप छुप के बात करती थी। एट टाइम शी इज ओवरहर्ड, तो उसको लगा कि आई एम हाइडिंग समथिंग। शी सिंगल डॉटर, और कोई सिबलिंग है आपकी? है, आई हैव अ सन। वो नहीं आया? नहीं। तो जिस तरीके से आप ऑलरेडी सेपरेटेड थी, तो जब शिनोवा ने पूछा तो आपने उनके बारे में ना बता के, बिकॉज आपने ज्यादा टाइम नहीं लिया। आपका सेपरेशन वैसे कब हुआ था? पहले पहले के पूछ रही कि अभी का पूछ रही है? पहले का? पहले का हुआ था व्हेन 1995 के करीबन, जब मैं रवि से मिली थी। और उसके बाद जब आपने रवि से मिली, तब तक आपका उनसे सेपरेशन हो गया था, और रवि जी से मिलने के बाद की अगर मैं बात करूं, तो फिलहाल अभी 1 साल से कोई कांटेक्ट नहीं है? रवि से ना नहीं, 1 साल से कांटेक्ट नहीं है। उसके पहले हम लोग बराबर फोन करते थे, बट मैंने एक चीज हमेशा, आई मीन लाइक ऑलवेज नोटिस वन थिंग, कि उन्हें हमेशा मुझसे मिलने में इंटरेस्टेड होते थे ऑलवेज। यानी लास्ट टू लास्ट ईयर भी हम लोग दिल्ली में मिले, होटल में मिले, बट जहाँ शिनोवा का आता था ना तो इज टू समवेयर यू नो बैकफुट हो जाते थे, और मैं बोलती रहती शिनोवा से मिलो। और आई गॉट रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो जिसमें मैंने कहा है कि यू नो मीट हर, बट ही वॉज मोर इंटरेस्टेड। मैंने बोला कि मुझे बात करना है गाड़ी में बैठ के आधे घंटे, बोले नहीं तुम्हें वैसे नहीं मिलना है, मैं घर पे आता हूँ, हम बाहर चलते आपके हैं। फोन कॉल्स पे बातें होती थी उनसे? मैंने ही फोन किए हैं, उन्होंने कभी नहीं किया मुझे फोन, मोस्टली तो मैंने ही किया है। बट आई एम टेलिंग यू इट वॉज ऑलवेज वेरी स्मॉल टॉक, वी नेवर हैड अ प्रॉपर कॉन्वर्जेशन। एंड इवन वेन आई वॉन्टेड टू गेट टू नो हिम, इवन वेन आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू गेट टू नो हिम, ही नेवर शोड दैट इंटरेस्ट, बट ही जस्ट केप्ट प्रॉमिसिंग मी दैट ही विल डू थिंग्स फॉर मी। वो कमी आपको महसूस होती होगी कि बींग अ फादर एक आई क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं हो रहा? मुझे ऐसा तब लगता था कि वो शायद एक्चुअल में बहुत बिजी है, बिकॉज मेरे दिमाग में तो ये था ओ ही इज़ अ वेरी बिग स्टार एंड ही इज़ वेरी फेमस एंड ही इज़ बिजी, तो वो शायद, और उनके खुद के बच्चे हैं तो वो टाइम नहीं निकाल पाते होंगे। बिकॉज ही कैप्ट टेलिंग मी दैट यू आर माई डॉटर एंड आई विल डू थिंग्स फॉर यू एंड आई विल फुल्ली सेट योर फ्यूचर, डोंट यू वरी एंड आई एम हियर फॉर यू। उन्होंने ये सब बहुत बार बोला है मुझे, तो मे बी बैक ऑफ द माइंड आई थॉट दैट ही इज़ एक्चुअली बिजी सो ही इज़ नॉट गिविंग मी, बट ऑफकोर्स आई क्वेश्चन द बट जब लॉट आप ऑफ देखती टाइम। होंगी कि आपकी मॉम आपके सामने या मे बी आप छुप के उनसे बात कर रही हैं, तो आपको लगता होगा ना कि आपका भी राइट है उनसे बात करने का, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का? ऑफ कोर्स एक टाइम के बाद में व्हेन ही वुड, जब हम होली पे भी अगर वी एंटर्ड अ प्लेस एंड वहाँ पे वो थे अपनी फैमिली के साथ, तो उन्होंने कम्प्लीटली मुझे इग्नोर कर दिया। जब हम वी बम्प्ड इनटू ईच अदर मेले में भी एक बार मैं बम्प हुई हूँ एंड ही इज कम्प्लीटली इग्नोर्ड मी पब्लिकली, तो मुझे ऑफकोर्स उन टाइम पे पता चला, मुझे मतलब आई वुड क्वेश्चन कि वाई डज ही नॉट एक्सेप्ट मी और वाई डज हिज फैमिली नॉट लाइक मी, बिकॉज आई हैव नॉट डन एनी थिंग रॉन्ग, आई हैव नेवर इवन सेड एनी थिंग रॉन्ग टू हिम, फॉर हिम टू नॉट लाइक मी और नॉट एक्सेप्ट मी और फॉर हिज फैमिली टू एक्ट द वे दे आर एक्टिंग विथ मी, क्योंकि मैंने कुछ बोला ही, मैं तो बस फ्रेंडशिप ही करना चाह रही थी एंड आई जेन्युइनली वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ हिज फैमिली एंड बिकॉज ही ऑल्सो टोल्ड मी इट्स, अगर वो मुझे बचपन में बोल देते कि नो आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग टू डू विथ यू, इट वुड हैव बीन फाइन, बट ही ऑलवेज गेव मी दैट होप ऑलवेज दैट आई एम देयर एंड दैट्स वॉट हर्ट मी द मोस्ट, बिकॉज आई वॉज जस्ट 16-17 एंड फॉर मी इट वॉज लाइक ओ इट्स माई फादर एंड देन वेन एवर आई ट्राई टू गेट इन टच विथ हिम ही वुड इग्नोर मी और ही वुड सडनली डिसअपियर ऑन मी एंड देन आई वुड जस्ट कीप क्राइंग अलॉट कि ये क्या है व्हाई। फेस्टिवल्स में मुलाकात होती थी आप लोगों की, गेट टुगेदर, आप उनके घर जाना या आपके यहाँ आना? नो वी नेवर। तो कुछ ऐसे पिक्चर्स आपके पास हैं क्या हम देख सकते हैं जिसमें वाकई में आपको लग रहा है कि हाँ आपके साथ वो थे, वो रहे, कुछ ऐसे पिक्चर्स हम देख सकते हैं? हाँ बहुत सारे हैं। क्या आप हमें दिखाना चाहेंगे वो पिक्चर्स? मतलब हाँ बिल्कुल, मतलब लाइक शिनोवा के साथ में या मे बी आपके साथ में।
तो अब आपने ये फिलहाल ठान लिया है कि अब उनका रिस्पॉन्स आना बंद हो गया है, तो आप केस के लिए रेडी हैं? हाँ जी, बिल्कुल रेडी हूँ, बिकॉज अभी कितना वेट करूँ ना, आई वेटेड फॉर 25 ईयर्स। तो लेकिन ये कह सकते हैं कि लव इज एक्चुअली ब्लाइंड, क्योंकि मतलब है आपको अपर्णा जी थोड़ा सा इमोशनल हो रही हैं, क्योंकि उनका ये दावा है कि वो उनको अभी भी उनसे प्यार है, अभी भी लगाव है, अभी भी अटैचमेंट है। और जाहिर है प्यार में होता है, जो सच्चा प्यार करते हैं उनको वाकई होता है, और ये एक रीजन है कि शायद वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई हैं। कुछ पिक्चर्स हम इस वक्त दिखाना चाहेंगे। मैं अपने वीजे से कहूँगी कि देखिए ये कुछ पिक्चर्स हैं जो देखिए ये पिक्चर है जिसमें वाकई में ये आप हैं, दिस इज। तो देखिए ये पिक्चर्स हैं जो जिसमें रवि किशन है और इसमें उनकी जो कथित वाइफ हैं, जो अपर्णा जिनसे हम बात कर रहे थे, और श्रीनोवा यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ये देखिए कुछ और भी पिक्चर्स हैं जिसमें तीनों लोग हैं इसमें, और ये देख सकते हैं आप कैमरे पर जो पिक्चर्स हैं। तो ये सारे पिक्चर्स हैं जिनको अपर्णा जी ने रखा हुआ है अभी भी, और उनका ऐसा मानना है कि उनको अभी भी अटैचमेंट और लगाव है और जाहिर है। तो फिलहाल अपर्णा जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी और उसके बाद मैं अपना कन्वर्सेशन ख़त्म करूंगी, कि अगर आप ये केस आगे, आपको लगता है आप ये लेके जाते हैं, तो कितनी उम्मीद है आपको जस्टिस मिलेगा और उसके बाद रवि आपके पास वापस आ जाएंगे? मुझे रवि मेरे पास में नहीं चाहिए। जस्टिस मुझे पता है कि 100% मिलेगा, बिकॉज आई बिलीव इन लॉ, माई मदर वॉज अ लॉयर। आप सच्ची हैं? हाँ, और ये जो भी है इसमें कुछ झूठ नहीं है, एवरीथिंग इज ट्रू, यू नो। तो जस्टिस मुझे तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, एंड वॉट एवर आई वॉन्ट ओनली फॉर माई डॉटर, नथिंग फॉर मी। क्योंकि जिस तरीके से श्रीनोवा उन्होंने वादे किए थे, जैसे आपकी मम्मा ने भी बताया है कि हम पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम तुम लोगों के लिए हमेशा रहेंगे, लेकिन आज वो नहीं है। नहीं, वो कभी थे ही नहीं, वो बस बोलते थे कि वो रहेंगे, बट ही वॉज नेवर रियली देयर, ही नेवर गॉट बैक टू माई मैसेजेस, ही वुड प्रॉमिस मी थिंग्स एंड ही वुड नेवर डू देम, एंड आई वुड कीप वेटिंग कि व्हेन विल लाइक, बिकॉज तब आई वॉज रियली इन नीड फाइनेंशियली ऑल्सो, ही नेवर हेल्प्ड अस एवर, स्कूलिंग में, पढ़ाई में, एजुकेशन में, नो नेवर, बिकॉज वंस आई वॉज सिक एंड आई आस्क्ड कि कैन यू जस्ट गिव मी 10,000, बिकॉज आई एम रियली इन नीड एंड आई एम लाइक द ओनली अर्निंग पर्सन सिंस अ फ्यू ईयर्स, सो आई टोल्ड हिम आई रियली नीड इट। And no, he never did. So even that 10,000 he did not send me when I was sick. अभी क्या कर रही हैं आप? I'm also into acting only. So I have done. Acting में भी कभी help नहीं किया उन्होंने? Never. He सामने से said, I तो never asked also कि आप करके दो. Set में नहीं लेके गए? No. नहीं, उनके set पे मैं मिली थी, but उन्होंने vanity में मिले थे हम. नहीं, actually मैं गाड़ी में मिले थे और vanity, but he never introduced me to anybody. तो फिलहाल जिस तरीके से हमने अभी बात की है अपर्णा और श्रीनोवा से, उनका साफ तौर पर कहना है कि वाकई रवि किशन उनके साथ में रहे हैं, उनकी बेटी भी हैं, और अगर वाकई ये प्यार सच्चा है, ये दावा सच्चा है, तो हम उम्मीद यही करते हैं कि इनको जस्टिस मिले। फिलहाल अपर्णा जी का साफ तौर पर कहना है कि अब वो केस करेंगी, क्योंकि पिछले एक साल से भारतीय जनता पार्टी सांसद रवि किशन ने उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सलीम, इंडिया न्यूज़ के लिए।